50 खबरों के बाद अब बात भगोड़े विजय माल्या की। लंदन में प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच विजय माल्या ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। विजय माल्या का यह कहना है कि देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात हुई थी। हालांकि जैसे ही ये बयान आया, इसे लेकर जबरदस्त सुर्खियां। कांग्रेस हमलावर है अब लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर, लेकिन वहीं अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि संसद के बाहर एक मुलाकात हुई, लेकिन सवाल यह कि क्या इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात कहना, आधिकारिक मुलाकात कहना सही है या नहीं। अब ऐसे में कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं और बयानों से किस तरह से हमलावर हैं सभी, देखिए। I met the finance minister before I left. विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। I happened to meet Mr. Jetley in Parliament and I told him that I was leaving for London. एक दिन ये देखकर कि मैं वहां बैठा हूं और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है। And that I want to settle with the banks and would he please facilitate discussions? तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप जो कहना है बैंकर्स को कहिए। I did not have any formal meeting scheduled with him. और इसलिए उनसे कोई कागज लिए बगैर इस एक वाक्य में उनको एक प्रकार से स्नब करके मैं आगे निकल गया। विजय माल्या और अरुण जेटली को सुनने के बाद कुछ चीजें साफ हैं। पहली, संसद परिसर में माल्या और अरुण जेटली की मुलाकात हुई, दोनों ने माना। दूसरी, माल्या ने बैंकों के सेटलमेंट की बात कही, अरुण जेटली ने भी माना कि माल्या कुछ सेटलमेंट की बात कर रहे थे। माल्या ने सफाई दी कि ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, अरुण जेटली का भी यही स्टैंड था। लेकिन संसद परिसर में अरुण जेटली और माल्या की इस चलते चलते वाली कुछ सेकंड की मुलाकात ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि ये मुलाकात ठीक उस वक्त हुई जब माल्या देश छोड़कर भागने वाला था। 12 सितंबर की आखिरी हियरिंग में मिस्टर विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन या प्रत्यार्पण केस में सबसे बड़ा धमाका मिस्टर विजय माल्या ने किया, जब उन्होंने अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का नाम लेते हुए कहा कि ना सिर्फ वो उनसे मिले थे बल्कि जाने से पहले उन्होंने उनको बता दिया था कि मिस्टर माल्या लंदन जा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा धमाका था जिसे उन्होंने मीडिया के ऊपर थोप दिया बाद में। मगर हो सकता है इसके पीछे मंशा ये रही हो कि हम तो डूबेंगे सलाम, आपको भी लेके डूबेंगे। लंदन में माल्या के बयान ने दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने माल्या को भगाने में मदद की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विजय माल्या के आरोप बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री को इस मामले में तुरंत एक स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। जब तक जांच पूरी हो तब तक अरुण जेटली को वित्त मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने दावा कर और सनसनी मचा दी कि वो संसद में माल्या और जेटली की मुलाकात के गवाह हैं और उस दिन सेंट्रल हॉल में विजय माल्या वित्त मंत्री के साथ काफी देर अलग से बैठकर बात कर रहे थे। ये विजय माल्या जब हिंदुस्तान छोड़ के लंदन गए हैं और न्यूज़पेपर में आया, उसे सूचना मिली, तो उससे दो दिन पहले सेंट्रल हॉल में मैं भी बैठा था और अरुण जेटली जी से विजय माल्या बात कर रहे थे। काफ़ी देर अलग से बात करते रहे और मैं तो हमेशा कहता रहा कि इनके इशारे पे, इनकी सहमति पे, इनकी साजिश से यहाँ छोड़ के गए हैं। लिखा है किसी ऐरे गहरे को नहीं मगर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और पहला लाइन देख सकते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं मनमोहन जी कि आपने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। और आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं मैं बहुत खुश हूं कि जो मेरी इच्छा थी वो इच्छाएं आपने पूरी की। आपने अपने सेक्रेटरी टीके नायर को कहा कि तमाम मंत्रियों से बात करके मेरी मदद की जाए। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी सामने आए, अपने पुराने आरोप को दोहराया
आरोप लगाया कि विजय माल्या के लुक आउट नोटिस को आखिरी वक्त पर बदला गया और इसकी जांच होनी चाहिए। This much that Vijay Mallya could not have left the country if the lookout notice hadn't been watered down. विजय माल्या को लेकर मोदी सरकार सवालों में घिरी है। विपक्ष पूछ रहा है, विजय माल्या से मुलाकात की बात अरुण जेटली ने पहले क्यों नहीं बताई? क्या सरकार ने माल्या के सेटलमेंट के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया? लुकआउट नोटिस के बावजूद विजय माल्या कैसे भाग गया? क्या सरकार के किसी रसूखदार ने माल्या को भगाने में मदद की? माल्या पर 17 बैंकों के 9000 करोड़ हड़प कर भागने का आरोप है। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उसके प्रत्यर्पण की सुनवाई चल रही है। अगर भारत ये प्रत्यर्पण का केस जीतता है तो पहला केस होगा जो भारत ने जीता। हालांकि मिस्टर विजय माल्या के पास और भी रास्ते हैं अपील के, फिर भी भारत के लिए ये एक बहुत ही खास जीत होगी। 10 दिसंबर वर्डिक्ट की तारीख। लवीना टंडन, आज तक लंदन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।